हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ DIY फूड फेस मास्क की रेसिपी शेयर करूंगी, या बोलिए आप लोगों को घर पे बनाना बताऊंगी। जी हाँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फूड हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है और हमारे स्किन के लिए तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आपने अक्सर सुना होगा जिसको कोई भी फेशियल सूट नहीं करता तो उनको डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं, या पार्लर में आप जाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप फूड फेशियल कराएं, क्योंकि फूड जो होता है नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन बनाता है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ फूड फेस मास्क की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फूड मास्क बनाने के लिए लेंगे हम फूड। जी, आप अपने हिसाब से कोई सा भी फूड जो आपको पसंद वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऑरेंजेस, अनार और अंगूर ऐड कर रही हूँ। आप इसके अपने हिसाब से कोई सा भी फूड ऐड कर सकते हैं। फिलहाल सीजनल फूड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। तो अब हमें क्या करना है इसमें, अब आप या चाहे तो इसका हाथों से पल्प निकाल लें, या मिक्सर की हेल्प से भी आप इसे अच्छे से इसका रस निकाल सकते हो। तो मैं इसको इन सबको अपने मिक्सर में डाल करके इसका रस निकाल लूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे ब्लेंड कर लिया, बहुत महीन नहीं किया क्योंकि इसे हमें अभी छानना है। तो आप इसे किसी मलमल के कपड़े से या किसी स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लूँगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो जूस था वो निकल के तैयार हो गया। आप इसे पी भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पीना नहीं, हमें इसे लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, हम इतना सारा तो लगा नहीं सकते, तो हम इसे एक अलग बोल में खाली कर लेंगे और फिर इसमें जो हमें ये फ्रूट मास्क है तो हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें जितनी ज़रूरत है उसे हम अलग बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये फिर मास्क है तो इसमें हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो हमारे पोर्स को टाइट करने का काम करती है, तो एक तरीके से आपके पोर को टाइट भी कर देगा। तो हम इसमें मुल्तानी मिट्टी लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी लेंगे। मुल्तानी मिट्टी हम जैसे एक चम्मच के करीब लेंगे, मैं यहाँ पे अंदाज से डाल रही हूँ। तो मैंने एक चम्मच के करीब इसमें मुल्तानी मिट्टी ली है और सब हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम और डालेंगे अपना ये जूस। तो दोस्तों, अब अपने फ्रूट मास्क में जो दूसरी और आखिरी चीज में ऐड करेंगे वो है हनी। जी हाँ, हमें हनी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी हाँ, मैंने आपको जिस तरीके से ये फेस मास्क को बनाना बताया था आपको सेम वैसे ही बनाना है, और लगाने का तरीका भी आपको बिल्कुल वैसे ही है। आपको बस ये हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करें आपका फेस हमेशा क्लीन होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगाना है। इसमें इसे मैंने जितने भी फ्रूट्स डाले हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे पोमेग्रेनेट हो, चाहे ग्रेप्स हो, ये सारे हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बात करूँ संतरे की, तो संतरे में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाता है, हमारे जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उसको अंदर से क्लीन करता है। अनार के बारे में तो मैंने इससे पहले भी DIY अनार टोनर अपना शेयर किया था, अगर उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा होता है अनार में, जैसे बोलूँ एंटी एजिंग का काम करता है। और मैं बात करूँ अंगूर की, तो इसमें एंटी एजिंग, जैसे मैंने कहा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी स्किन को कोलेजन बनाने के लिए, ये इनकरेज करते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे स्किन के लिए आपके स्किन पे एक वंडर सा काम करेगा, जैसे बोलो आपके जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा। तो बहुत ही अच्छा ये फेस मास्क है। और हनी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ऑल इन, जैसे बोलो ऑल इन ऑन की बात करूँ, तो अगर आप इसे टीनेजर हैं तो आप अगर यूज़ करते तो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम खत्म होगी। फेस पे आप देखेंगे एक ग्लोस आ गया इस फेस मास्क को लगाने के बाद, और बिल्कुल नेचुरल है। तो बस आपको इस तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप इसे लगा करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनटों के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और मैं आपको कैमरे में पास से दिखा दूँ, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही हाथ धोकर किया, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया। तो आपको भी इस फेस मास्क को रेगुलर लगाना है। जी हाँ, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी लगाते हैं तो भी चलेगा, अगर आप रेगुलर लगाते हैं जैसे मैं डेली लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेचुरल फेस मास्क है। तो जी हाँ, ये फेस मास्क कोई भी लगा सकता है, मेल फीमेल, आप अपने भाई को भी बना के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा फेस मास्क है। और इस फेस मास्क को आप कंटिन्यू करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके फेस पे एक ग्लोस आ गया है और आपकी स्किन पे एक ब्राइटनिंग सी आ गई है। तो मेरे ख्याल से फेस मास्क को आप ट्राई करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा और
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये फेस मास्क कैसा लगा। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है और ये मेरा बढ़िया सा फेस मास्क पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।